नकल कीटनाशक सह एक व्यक्ति के ग्रेप्तार करल पुलिस। महाराष्ट्र एक कीटनाशक तैयारी संस्थार अभियोग बुधवार रानीगंजे रनाई बांगला स्कूल पाड़ा रोडे अभियान चले आसानसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेटर एनफोर्समेंट ब्रांच और रानीगंज थाना पुलिस एलाकार बसिंदा मोहम्मद मिराजर बाड़ी के उद्धार है 2300 पैकेट नकल कीटनाशक। नकल पैकेट बाजेयाप्त करार पाशापाशी अभियुक्त मिराज के ग्रेप्तार करे पुलिस। जदिओ नकल कीटनाशक तैयारी कथा अस्वीकार करें अभियुक्तेर परिवार। तादेर बक्तव्य तारा शुधु पैकिंग करार काज करछिलेन। क्या हुआ है भाई? होता है वो डुप्लीकेशन बन रहा था, हम लोग थाना में खींच के और थाना के साथ जो विभागीय कार्रवाई किया जा रहा है, जो हम लोग मानते हैं डुप्लीकेशन। अरे क्या चीज़ नेटिव है, बायर का नेटिव है जो फर्स्ट बार में मारने के लिए किया जाता है। आप लोगों को कैसे पता चला? गोपनीय सूचना के आधार हम लोग को पता चला। हम लोग दिन से सर्वे कर रहे थे, कंपनी द्वारा सर्वे हो रहा था तो पता चला कि बाहर माल सप्लाई हो रहा है। कहाँ ये थाना के सहयोग से रद्द किया गया है। बाबा ई वी के साथ रेड किया गया। कितना माल मिला? 3000 RBI से फैला हुआ है। और भी क्या है इसका प्रशासन? अभी चल रहा है, अभी सर्वे चल रहा है और आगे देखा जाएगा। तो ये पर पैकेट? हाँ, एक पैकेट आता है 100 ग्राम। क्या काम में आता है? एक घर पर बार मारने के लिए आता है, जैसे कोई धान या कुछ भी हो पर्वत पर आता है, उसमें छिड़काव किया जाता है। कहाँ बनता है ये? हम लोग गुजरात का है कंपनी, जो यहाँ बन रहा था मैन्युफैक्चर हो रहा है, मेरे कंपनी का बिजली कैसे चल रहा था, लोगों लगा तो आदमी पकड़ा? हाँ, आदमी पकड़ा गया। क्या नाम है? कोई नाम जाना? अभी जानकारी नहीं, जानकारी होगा। आपका नाम? तो भरे हैं और ऐसा घटना हो गया। हम लोग को क्या पता था कि डुप्लीकेट है? क्या हम लोग देखा सीधा साधा आदमी ने उतना पढ़ा लिखा? कहाँ से आदमी जो आता था? बिहार से। कोई नाम पता पता है? बिहार जमुई। क्या नाम है उसका? कोई नाम नहीं, हमको तो नहीं मालूम। इसका पापा आके क्या बोलता था? कुछ नहीं, बोला कि खेत का पाउडर है, पैक करवाने के लिए आदमी खोज रहे हैं, तो हम फिर अपना गाड़ी में लेके चले जाएंगे, जहाँ से आए हैं वहीं फिर पैक करने के लिए। कितना रुपया देगा? कुछ एक पीस में 3 रुपया। एक पीस 3 रुपया? 3 रुपया। के दिन से कर रही काम ये? हम लोग ज्यादा दिन नहीं हो, 15 दिन। रानीगंज से निजस्व प्रतिनिधि रिपोर्ट, TV News 10।